जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की ओर बढ़ रही थी, ठिठुरन भी बढ़ती जा रही थी। ठंड के अलावा रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का डर सबकी हड्डियां तक जमाए दे रहा था। ये आवाज कैसी है? शायद उधर पहाड़ियों के पार तूफान आया है, जल्दी इधर भी आएगा। हाँ, अरे जल्दी चलो। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, तांगे वाला और बेरहम होता जा रहा था। तभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाज सुनाई थी, और साथ ही तांगे वाला पहली बार बोला, एक घंटा पहले पहुंच गए। आगे ही खड़ी घटी और क्या, भेड़ियों की आवाज सुनी कोनी, इसके आगे से उन्हीं का राज शुरू होवे। पर थमे लेने वाला तो आया कोनी अभी तलक है। बोलो क्या करें? मैं उतर जाता हूँ यहीं। माथा फिर गया है थारो, जान कोनी प्यारी, यहाँ 10 मिनट भी खड़े रह गए तो भेड़िया फाड़ खावेंगे, थमे हड्डी तक चबा जावेंगे। तो फिर क्या करूं? इंतजार ही करना पड़ेगा। और चारा कोनी? अरे ये तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? ये शाही बग्गी आ गई, उतरो से, यहां से आगे वो ही ले जावेंगे तुम्हें। वो सचमुच शाही बग्घी थी। रंगीन कांच की खिड़कियां सुंदर पर्दों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक ऊंची सी सीट पर बग्घी वाला सवार था, और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट ऊंचे चमकते काले घोड़े। एक ही पल में रणविजय का डर भाप बनकर उड़ गया। बग्घी देखकर ही लग रहा था कि उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिर करने वाला था। जैसे ही बग्घी पास पहुंची, बग्घी वाला बोला, क्या भाई, आज तो कुछ जल्दी आ गए तुम। क्या करते, घनी जल्दी थी थारे मेहमानों को। मैंने कब कहा इससे कि मुझे जल्दी पहुंचाना है, कुछ भी बके जा रहा है। बग्घी वाला आगे बढ़ा और बड़े अदब से रणविजय के सामने झुक गया। हमारे साथ चलो। हाँ चलो। जरा रुको से। ये मंत्र सारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना से। और हाँ, कुछ भी हो जावे, इस ताबीज को खुद से अलग को नहीं करना। हाँ, कुछ भी हो जाए इससे क्या मतलब है इसका? दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा रणविजय उस शानदार बग्घी की ओर बढ़ा ही था कि बग्घी वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो, कंधों पर काला सा चोगा डाले, काली पगड़ी, और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले, साहब का सामान देना। बग्घी वाले ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी, नर्म गद्दीदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी मोटी कालीन। मालिक तेरा ख्याल रखने को बोले आप खास मेहमान, उनके सर्दी बहुत है, जरोखे के नीचे बिलायती दारू है, 2 घूंट लगा लो, ठंडी भाग जाएगी। रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेटा ही था कि तभी चाबुक की आवाज सुनाई दी और बग्घी हवा से बातें करने लगी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी में थे। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा सा ही था। इसलिए बग्घी को बस उसके आगे दोनों ओर लगी पीतल की लालटेनों की रोशनी का ही सहारा था। क्या कहते हो, कब तक पहुंच जाएंगे रत्नागढ़?
चलो। हाँ भाई, कुछ पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं। ये जगह ही अजीब नहीं है, यहाँ के लोग तो उससे भी अजीब है। उस ठिठुरन और डर के बाद भी जाने कैसे रणविजय को नींद आ गई, या शायद बेहोशी। उसे लगा जैसे कोई पंजे उसकी गर्दन